ગુજરાત નમસ્કાર આજના સેશનની અંદર આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આજની જીવનશૈલીને કારણે ભયાનક રોગોથી આપણે પીડાઈ રહ્યા છીએ ત્યારે આજે આપણી વચ્ચે ભારતના ખ્યાતનામ અને મેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે જે ઓળખાઈ રહ્યા છે તે ડૉક્ટર ખદરવલી સાહેબ આપણી સાથે છે जो कर्नाटक थी साहेब साहेब की बात करिए तो साहेब पी एच डी हमारा शरीर में खून में सब जगह पे है ये सब सप्लीमेंट के रूप में लेकिन हम सही तरह ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज ये विटामिन्स का नहीं ले पा रहे हैं इसीलिए ये सहज नहीं है हम सहज रूप से सहज सिद्ध ये विटामिन जीवसत्वों को हमारा शरीर पे अंदर हम बिठाना है वही है प्रकृति सिद्ध ये मोटी अनाज का खमीर पीने से हमको हमारा गट माइक्रोब्स पॉपुलेशन ये सही सिम्बाटिक माइक्रोब्स डूइंग गुड फॉर यू आपके लिए भलाई सोच समझ के हमारा पेट के अंदर ए माइक्रोबियल पॉपुलेशन्स को सही बिठाने से ए विटामिन बी ट्वेल्व बन जाते हैं यही है नेचर का मामला सो यू हैव टू गेट दिस सही तरह से सो so, हम सब हमारा देसी संप्रदाय था एक खमीर पीने का अभी भी गुजरात में और बहुत सारे लोगों में जगह पे ए बैम्बू बॉटल में अभी भी बाजरा का खमीर बना के पी रहे हैं लोग इस लोगों के पास करोना क्या करोना 99 बी नहीं जा सकती है सो so, इतना प्रतिरोधक शक्ति बनाने में हमारा शरीर में ये तीन अंश का हम ध्यान रखें सब कुछ ठीक होगा एंड छः हफ्ते में हर भारत देशवासी ये विटमिन बी और विटमिन सी तो अचार काने से आ जाता है आपको गुजरात से बहुत बहुत अच्छा अचार बनता है अभी अभी हम कल आए थे खाया है बहुत सारा आ, बहुत ब्यूटीफुल अचार्स है वो विटामिन सी वो नींबू का हो आम का हो और आंवला का हो कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है और विटामिन डी यही है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट और सूर्य नमस्कार ये तो हज़ारों साल से हमारा देश में हमारा भारतीय परंपरा है सूर्य नमस्कार से ही सही विटामिन डी हर आदमी को हर जानवर को मिलता है तो वो हम भूल गए हैं विटामिन डी फोर्टिफाई करके दूध तो पी रहे हैं लीटर लीटर अभी भी हम सारा जगह जगह में ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर टेकिंग फोर्टिफाइड मिल्क बट कुछ भी नहीं हो रहा है विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत सारे लोग में आप ऑलमोस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द वर्ल्ड इज़ हैविंग विटामिन डी डेफिशिएंसी क्योंकि ये सही तरीका नहीं है सही तरीका एक ही है आपको सूर्य नमस्कार में पंद्रह मिनट लगाने से विटामिन डी विदिन चार हफ्ते में आपको मिल जाएगा सो so, यही है सही तरीका हमारा प्रतिरोधक शक्ति हमारा शरीर में बढ़ाने का सहज सिद्ध हमको प्रकृति सरल रूप में दे रही है ये भारतीय संप्रदाय है हमारा मोटी अनाज से ये मोटी अनाज कहला जाता है असलियत में बहुत छोटी दिखता है बहुत छोटी है क्योंकि ये आरोग्य स्वास्थ्य का मामला में बहुत बड़ा काम करता है इसलिए हम इसको मोटी अनाज कहते हैं सो so, मोटी अनाज और हमारा सूर्य नमस्कार और अचार देसी आहार संपूर्ण आरोग्य बन सकता है दे सकता है सर आपने इसमें बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हम ये मोटी अनाज Uh, क्या है हमारे बहुत सारे दर्शक पूरे गुजरात में ये देख रहे हैं हम तो सर पहले हमारे जो फोर फादर्स थे वो सब ये खाते थे मगर हम तो गेहूँ चावल और ये सब खाने वाले लोग हैं और गुजरात आप जानते हो सर हम मीठा बहुत खाते हैं और टेस्टी खाने के बहुत शौकीन होते हैं yes, तो मैं ये मोटी अनाज क्या है और ये मिलेट्स जो आप मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं तो ये मिलेट्स एक्चुअली है क्या और कौन कौन से मिलेट अच्छे हैं हमारे लिए yes. और मिलेट्स का कोई डिवीज़न है गेहूं को मिलेट्स कहते हैं या नहीं yes. कहते yes. सर आप अगर समझाएं तो अच्छा होगा गेहूं तो मिलेट नहीं है वो तो एक नेगेटिव ग्रेन बनता है क्योंकि इस पर रेश और पिष्ट पदार्थ शक्कर अंश सही नहीं तरह से जुड़ा है ये तो मिलेट्स पे ए वो कोद्रो चावल हो कुटकी हो सावा हो सानवा हो और सहारा सावा हो ये सब पाँच धान्य में खड़धान्यड़धान्य कहते, कहते हैं गुजराती में खड़धान्य मोटे अनाज इस पे रेश और शक्कर शक्कर अंश और पिष्ठ पदार्थ का कार्बोहाइड्रेट फाइबर टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो सिंगल डिजिट में होता है आ, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट रेशियो कोद्रो में सिक्सटी सिक्स कुछ नंबर है उसको हम नाइन फाइबर का रेशियो है सो सिक्सटी सिक्स बाई नाइन यू गेट सिंगल डिजिट ए तो आप गेहू में देखो तो यू विल गेट सेवेंटी सो दैट इज़ द डिफरेंस सो ए रेश और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो निष्पत्ति सिंगल डिजिट में होने से हमारा खून में एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनने के बाद धीरे धीरे से रिलीज़ होता है नियंत्रित रूप में निर्धारित प्रमाण में खून पे बहता है सो so, वही है आरोग्य का मूल मंत्र वेन यू हैव कंट्रोल ये शक्कर रिलीज़ करने में खून को कंट्रोल मिल जाता है देन देर इज़ नो ग्लूकोज इम्बैलेंस ए ग्लूकोज इम्बैलेंस से हमको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है वही है एक गेहूँ खाने से हमको मिल रहा है ये सफ़ेद चावल खाने से हमको मिल रहा है दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर गेटिंग सिक हम बीमार पड़ रहे हैं इसी मूल कारण है इसीलिए हम पिछला 20 साल से बोल रहे हैं लोगों को आप आपका खाना बदलाव और यू विल चेंज योर लाइफ सर में uh... आप बोला है वो हाँ उसमें हमने ये हमारा प्रोग्राम का टाइटल ही रखा है खुराक बदलो जीवन बदलो उसका yes, सर मतलब nice, यही होता yes. है कि हम हमारा फूड चेंज, चेंज करेंगे के, के, तो हम हेल्दी हेल हेल होंगे हो मगर सर आपने जो बताया वो थोड़ा हम उसको डिस्क्राइब ज्यादा गुजराती में समझे कार्बोहाइड्रेट वर्सेस फाइबर फाइबर मनी रेसा बोलते हैं गुजरात में वही बात करो ना सर अच्छा कार्बोहाइड्रेट वर्सिज फाइबर का जो रेशियो है वो एक सिंगल डिजिट में यानी कि दस के नीचे होना चाहिए अगर वो नीचे होगा तो, तो ये ग्लूकोज में निर्धारित रूप में नियंत्रण से रिलीज होता है अच्छा अच्छा और ये गेहूँ चावल में ज्यादा अच्छा। रेश का एक मात्रा गेहूँ में है और पॉइंट टू ग्राम्स है हमारा सफ़ेद चावल में इससे क्या होता है आप सफेद चावल खाने से या गेहूँ खाने से वो तो पराठा भी हो या कुलचा भी हो कुछ भी हो खिचड़ी बन के खा सकते हैं गेहूँ का क्या होता है पंद्रह मिनट में आपका खून में सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनने के बाद आ जाता है दैट मीन्स इफ यू ईट हंड्रेड ग्राम्स ऑफ गेहूँ यू आर गेटिंग थर्टी टू फोर्टी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन नो टाइम बहुत सारा पड़ गया है खून में सो hmm. so, खून पे ये असर पड़ जाता है ओके okay. तो बहुत बुरा है ये आरोग्य के लिए नहीं सर ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपने जैसे बताया कि गेहूँ खाने से और चावल खाने से ब्लड में शुगर जल्दी बढ़ता है ये yes. तो बढ़ता है तो उसे तो हमें ताकत मिलती है ग्लूकोज से तो क्या प्रॉब्लम है ग्लूकोज़ बढ़ता है तो हाँ वही है आ, हम हमारा दर्शकों को एक बात बताना चाहते हैं हमको हिंदी सही तरह से बात करने का आदत नहीं है हम अभी अभी सीख रहे हैं तो सब दर्शकों को हमारा तरफ से हमारा आ, सही हिंदी नहीं बोलने का क्षमा करे दीजिए uh, तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट आई प्लीज़ अपोलोजाइज फॉर नॉट एबल टू स्पीक गुड हिंदी हम तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं दो तीन साल से हम हिंदी सीख रहे हैं बात करने को ये स्त्रीलिंग पुमलिंग तो हमको बहुत कन्फ्यूज़ होता है सो so, क्षमा करें हमारा शब्दकोश भी विस्तार नहीं है बहुत छोटा है हम प्रयास करें अच्छी हिंदी बात करने के तो इसके बाद हम आ, सर ये हम आ, आप अच्छा हिंदी बोल ही लेते हो उसमें कोई सर हम सब समझ रहे हैं मगर बात ये थी कि जो शक्कर हमारे खांड में आ, ये शक्कर हमारे ब्लड में जो आ, चावल से और गेहूँ से बढ़ती है तो बढ़ हमारे खून में तो शक्कर होनी चाहिए अगर शक्कर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ताकत मिलेगी हाँ वो तो सही बात नहीं है क्योंकि ज़्यादा शक्कर हुआ तो हमारा खून पाँच लीटर होता है पाँच ग्राम होना है सब खुल मिला के हमारा वो क्या है एच बी ग्राम से चमच, हाँ, एक चम्मच एक चम्मच हर घड़ी में हर वक्त हर क्षण में हमको इसके ज़्यादा होने से क्या होता है हमारा ए रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन क्या है उसके ऊपर एक ग्लूकोस ज़्यादा होने से एक दिन में नहीं है कुछ दिन के बाद वो बैठ जाता है सो so, खून के ऊपर ऑक्सीजन बैठना है नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके हमारा श्वासकोश में छोड़ देना है सो so, यही है खून का काम बट आप ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ाने से हमारा खून में ये सब उल्टा पलटा हो जाता है सो so, ऑक्सीजन ग्लूकोज को बर्न करने से ही हमको शक्ति मिलता है वो तो सही बात है लेकिन ज़्यादा होने से क्या होता है वो ऑक्सीजन कैरी करने वाला खून पे एक ग्लूकोज़ बैठ जाता है सो एच बी सी पाँच या छः और सात तक सही है उसके ऊपर चल जाने से आपको ग्लूकोस बर्न करके शक्ति दिलाने का काम ही कम पड़ जाता है सो इट इज़ द सेम ग्लूकोज विच हैज़ टू बी इन कंट्रोल वो बैलेंस में रहना है एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी हेल्थी वो तो बहुत इम्पोर्टेंट वेरी प्रमो प्रोमिनेंट पॉइंट सो ज़्यादा बन गया ग्लूकोज आपका खून में आपको बीमारी आने को सारा फाउंडेशन मिलता है सो दैट इज़ द प्रॉब्लम इट हैज़ टू बी इन बैलेंस ग्लूकोज अच्छा है शक्ति बनाने के लिए हमको काम आती है लेकिन ज़्यादा हुआ तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स का वही मूल कारण होता है तो सर आपका कहना ये है कि गेहूँ और ये चावल या यानी कि गुजरात में हम उसको गहूँ कहते हैं गहूँ और चोखा आ बने वस्तु खावा थी आपही अंदर शर्करा एटले ग्लूकोज न प्रमाण बढ़ी जाए अब शुगर बढ़ जाती है सर और इससे सब प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ हम चार्ट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेहूँ और चावल में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर कितना है सर ये चार्ट में आपने दिखाया है कि गेहूँ और चावल में जो आप ये रेशियो की बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट वर्सेज फाइबर वो जो एक सिंगल डिजिट में होना चाहिए उससे ज़्यादा है जादा। और हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा बन जाता है जादा। अगर ज़्यादा बन जाता है सो तो बड़ा अपनी निकल भी जाता है अगर ज़्यादा रहता है और हम और भी गेहूँ चावल खाएँ तो उसे क्या आगे मतलब ग्लूकोज होता कैसे पाँच ग्राम से ज़्यादा मिल जाए तो सर जा, पाँच ग्राम से ज़्यादा मिलने से क्या होता है खून क्या करता है आपका अन्य जीवकोशों से पानी को खींचना शुरू होता है तो आप खून में शुगर का प्रमाण ज़्यादा बढ़ गया तो वो पानी खींचने को शुरू करता है देन आपका अन्य जीवकोश बिगड़ जाता है पानी के बिना सो यू स्टार्ट फीलिंग थर्स्टी आपको वो पानी को पीने को मन लगता है आप जाके पानी पीता है और और एक बार ये ग्लूकोस खींच लेता है तो ये पानी रोटेट करने के लिए आप टॉयलेट जाना सो यू आर बिकमिंग थर्सटी एंड गोइंग टू टॉयलेट ज़्यादा सो ये तो कुछ दिन चलने से आपको बता होता है और हमारा शरीर में शुगर ज़्यादा हो रहा है एंड ज़्यादा हुआ ये शुगर को हमारा जिगर हमारा अदर निर्णाल ग्रंथि कुछ काम करना है एमरजेंसी हो रहा है अदर एंडोक्रेन ग्लैंड स्टार्ट कन्वर्टिंग ये ज़्यादा हुआ ग्लूकोज को कोलेस्ट्रॉल बनाती है ट्राइग्लिसराइड्स बनाती है ग्लाइकोजन बनाती है और फैट को कन्वर्ट कर सकती है ये सब मामला शुरू हो जाता है सो दिस आर ऑल अननेसेसरी बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम शुरू कर दिया है क्योंकि हम गेहूँ और चावल खाने का आदत में लग पड़ा वी हैव स्टार्टेड ईटिंग दिस एंड दिस थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग इन आवर बॉडी सो वही है ए रोग आने का तरीका एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर बिकमिंग सिक ये गेहूं काने से आप ही बोल रहे थे ना हमारा कार में आने के वक्त हमारा गुजरात कैपिटल बन गया है yes, कैपिटल uh, <laughs> uh, uh, है डायबिटीजल <laughs> So लेकिन तो ये, लेकिन ये ये बात सही नहीं है क्योंकि हम आंध्रा जाए कर्नाटक जाए सब लोग बोल रहे हैं हमारा कैपिटल है वी आर फाइटिंग फॉर बीइंग कैपिटल फॉर डायबिटीज ये बहुत बुरा बात है सर तो ये आपका कहना ये है कि गेहूँ और चावल खाने से अब ये शुगर भी बढ़ रहा है और yes. बड़ी बड़ी बीमारियां बीमारिया हो रही है हमें हम ये जानना चाहेंगे सर कि गेहूँ चावल तो ठीक है उसके बाद हम जो गुजरात में स्वीट ज्यादा खा रहे हैं हाँ। नमकीन ज्यादा खा रहे हैं yes, yes, yes. और वैसे भी गुजराती बहुत टेस्ट के लिए जाना जाता है गुजराती डिश ऑल ओवर इंडिया फेमस है yes. तो सर फिर भी इतनी अच्छी डिश होने के बाद भी आ, ये सब डिजीज़ होते कैसे क्या क्या गेहूँ और चावल गहूँ ने चोखा सिवाय उसे उसे और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए या हाँ, कम खानी चाहिए चीनी तो डायरेक्ट <laughs> शुगर है तो चीनी तो आप पहले इतना खाना नहीं है तो कुछ भी नहीं खाना है इवन ए मिलीग्राम ऑफ शुगर कैन हार्म यू बिकॉज इट इज़ द सोर्स वही सोर्स होता है हमारा ए बहुत सारा पैथोजेनिक वायरस बैक्टीरिया हमारा शरीर में घुस सकता है शुगर खाने से ये चीनी तो बहुत बहुत बुरा है तो मीठा थी खाना ही है हमारा पूर्वजों ने ये पाम जागरी ताड़ी का पाम जागरी वो तो खाते थे कोकोनट पाम जागरी ताड़ी नो गुड़ के गुड़ या सो हाँ। हाँ। so, वो गुड़ हम खाने का छोड़ दिया है ये चीनी पे हम पड़ गए हैं सो so, चीनी मत खाओ मीठा मत खाओ नहीं बोल रहे हैं हम मीठा तो खाओ लेकिन वो पाम जागरी वो पाम गुड वो तो आपका रसोई घर में ला ले आके वो तो तो वी वर ईटिंग ओनली दैट बिफोर ये चीनी तो अभी आया है एक हंड्रेड ईयर्स है ये ब्रिटिश वाला ला के हमको सब बीमारी लगा रहे हैं सो प्लीज़ स्टॉप ईटिंग शुगर चीनी नहीं खाना है पाम जागरी वो तो सही मीठा है आप सब मिठास बन सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर ये अभी हम बात करेंगे क्या खाना है आपसे जानेंगे मगर इससे पहले आपने हमने आ, हम जो खाते हैं हमारी डिश में हर रोज वही चीज़ होती है जो आप मना कर रहे हो जैसे हम गेहूं के बिना हम सुबह में गुजरात में हमें भाखरी बना हुई है आप पता नहीं आप कर्नाटक में क्या बोलते हैं मगर हम रोटी के बिना रह नहीं सकते तो गेहूँ चावल और चीनी तीन चीज तो आप मना कर रहे हैं और मैंने आपके एक लेक्चर में सुना है ए, सर हम तो गुजरात में दूध पीने के बाद ही रात को सोते हैं तो दूध के बारे में आपने कुछ ऐसा कहा है कि दूध नहीं पीना चाहिए ये, मगर क्यों नहीं पीना चाहिए दूध में अभी तो हम ऐसा उत्पादन कर रहे हैं बहुत कृतक रूप में बहुत सारा केमिकल्स स्पेशली स्टेरॉयड हारमोन भी हम ये दूध बनाने में उत्पादन करने में इस्तेमाल कर रहा है और ए रेसिड्यूस ऑफ हार्मोनल केमिकल्स हमारा शरीर में बहुत जल्दी हार्मोनल इंबैलेंस बन रहा है हमारा बच्चों को सी मेनी गर्ल्स आर मेनस्टेटिंग एट द एज ऑफ सेवन टू नाइन नवर पिछले दिनों में पंद्रह साल को रुतमती मैंस्ट्रिएशन शुरू होता था सो so, इतना बुरा असर पड़ गया है हमारा बच्चे पर और बॉयस uh, बालक अभी भी बिफोर इवन रीचिंग एडोलसेंट देर जेनेटल ऑर्गन स्पर्म काउंट बनाने का वो क्षमता कम हो रहा है तो सर आपका कहना ये है कि अः ये जो दूध पीते हैं जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी लड़कियां मासिक धर्म में जो बैठती है उसकी जो औसतन आयु थी उम्र थी वो चौदह साल के घट के अब नौ साल हो गई है ऐसा आप बोल रहे हो और पुरुषों के अंदर जो काउंट जो होता है वो कम हो गए yes, yes. मगर सर एक बात पूछूं अगर गाय देसी हो और देसी गाय का घर में हम गाय को रख के उसका अगर दूध हमें मिले तो वो क्या पी सकते हैं उसमें जब हम इंजेक्शन देते नहीं है स्टीरोड भी देते नहीं है तो फिर वो दूध पी सकते हैं नहीं नहीं क्योंकि दूध गाय इसीलिए देता है इसकी बच्ची के लिए गाय का दूध गाय का बच्ची पी लेना है और ऐसा ही गाय का दूध में वो कंपोजिशन है वो हार्मोन का वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का वो सही है गाय का बच्ची के लिए ये सही है हमारा बच्चा बच्ची के लिए तो ऐसा आपको देखा तो ढूंढा तो ये नारियल का दूध ही सही प्रमाण में हमारा जैसा हमारा माँ का दूध जैसा बनता है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में सो so, इसीलिए हम बोल रहे हैं आप आप की बच्ची को या बच्चा को ये दूध नहीं देना है नारियल का दूध पिला सकते हैं सर यहाँ गुजरात में तो आप जानते हो कि दूध हम यहाँ पे बहुत दूध के लिए गुजरात जाना जाता है yes, yes, yes. और बचपन से हम लाइफ पूरी लाइफ दूध पीते हैं और उसमें कहा जाता है कि हमें कैल्शियम मिलता है और दूध एक संपूर्ण मतलब तो पूरा एक न्यूट्रिशन मिलता है हाँ दूध हमारा संपूर्ण खुराक है आ, <laughs> सर, सर आप उसके बारे में क्या कहेंगे हाँ तो ये हमारे सोच में एंड हमारा विश्लेषण में एक सही बात नहीं है क्योंकि we are creating imbalance hormonal imbalance in all the people not only in the girls and boys hamara sharir mein bhi because everyone is drinking milk it is not just the boys and girls drinking milk har roz sab log pi rahe hai coffee chai ye sab ke liye ye doodh hum milke bhi amen we are mixing mila ke pi rahe so we are unnecessarily taxing ourselves with this स्टेराइड्स इन आवर बॉडी ये स्टेराइड्स तो हार्मोन्स है बहुत सूक्ष्म प्रमाण में समतुलन में होना है वही है हम कर रहे हैं इम्बैलेंस सो so, इसीलिए हम के हमारा शरीर में बहुत सारा बीमारियाँ हम कह सकते हैं एक ही बात में हम बीमारियाँ उगा रहे हैं सर आपने जो बताया उसमें तो अब हमारे लिए सोचने का ये एक विषय आ गया है कि आपने हमारे गेहूँ बंद कर दिए आप बोल रहे हो कि चोखा भी मतलब हम चोखा गुजरात में बोलते हैं जो राइस है yes. पेडी राइस जो हम बोलते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर होता yes, है फिर आपने बताया कि दूध नहीं पीना चाहिए अब बात हम करते हैं चीनी की भी आपने बता दी कि चीनी नहीं खानी चाहिए गुजरात में हमें खांड हमें कही है खांड वगैरह तो गुजरातियों रह सके नहीं ये यन ना पाड़ो छो सर हम पूछना चाहते हैं कि अब हम गुजरात के लोग फरसान बहुत खाते हैं ढोकला फिर हांडवा गांठिया तो अब उसमें है तो हम तेल यूज करते हैं ऑयल यूज़ करते हैं yes, yes. तो वो आ, वो तो हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते है? तेल तो बहुत अच्छा है आपके लिए वो तो बहुत सही तेल इस्तेमाल करना है ये तेल हम पहले हमारा पूर्वजों ने कच्चे गाने से निकालते थे वो मूँगफली का तेल हो नारियल का तेल हो और तिल का तेल हो और और बहुत सारा ऑयल सीड्स थे हमारा पास ये क्या है वो नाइजर सीड्स बोलते हैं राम राम, राम तिल तो बहुत अच्छा है वो तेल हमारा लिए हमारा नर्वस सिस्टम के लिए वो हम तीन चम्मच ए, ए राम तिल का तेल पिला के वी आर एबल टू हेल्प मेंटली रिटार्डेड किड्स दैट मींस यू कैन करेक्ट द प्रॉब्लम्स इन द माइंड एंड न्यूरल सिस्टम्स सो तेल तो बहुत अच्छा है आपके लिए बट सही तेल आपको मिलना है हमारा ये सांप्रदायिक था कच्ची गानी में ये सब ऑयल सीड से हम ऑयल बनाते थे बट आजकल तो हम रिफाइंड ऑयल्स पी रहे हैं वो तो बहुत बुरा हो रहा है हमको बिकॉज वो तो सब मिलावट हो रहा है ना ये वो मिलावट वो, वो मिलावट हो रहा है मगर सर आ, मार्केट में जो रिफाइंड तेल अच्छे से अच्छा मिल रहा है तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि एक तो कौन सा तेल सबसे अच्छा है कौन सा तेल हमें यूज करना चाहिए हमारा खुराक के लिए और दूसरा रिफाइंड तेल अगर आ, उसकी जगह ये कच्ची गहने का तेल दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा बहुत सारा डिफरेंस है कच्ची गहने का तेल आप खूब खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं दिन में बीस से पचास एम तक आप एक आदमी ले सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसके अलावा आ, तेल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सही फ़ैट्स बहुत जरूरी है हमारा बच्चों का स्वास्थ्य के लिए क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन द नर्वस न्यूरॉन्स और हमारा जिगर और हमारा मेदजिर का अंग वो पेंक्रियास ऐसा बहुत सारा सॉफ्ट पार्ट्स फैट से ही बनता है सो so, हम सही फैट देने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा एंड इट हेल्प्स टू बिल्ड द इम्यूनिटी आल्सो बहुत सारा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाता है आप तिल का तेल में बहुत सारा इम्पोर्टेंट केमिकल्स uh, है हमारा इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है एंड ऐसा ही तिल का बात कर रहे हैं आप कैल्शियम आ, बात लेके आए दूध में आपको दूध में एक लीटर दूध पीने से आपको मिल सकता है 800 मिलीग्राम्स का कैल्शियम कैल्शियम वही आपको 100 ग्राम्स तिल में एक ग्राम मात्रा में प्रमाण में आपको कैल्शियम मिलता है वो सही तरह से हम ऑब्जर्ब कर सकते हैं इनफैक्ट फ्रॉम मिल्क यू नॉट ऑब्जर्ब कैल्शियम वेल ये साइंटिफिक फैक्ट है तो आपको सही प्रमाण में कैल्शियम चाहिए आपको तिल खा सकते हैं तिल का लड्डू वो, वो का तेल शब्द आ रही है आपको तिल से यस यस ये तिल का वो ही तेल बन जाता है सो so, सब का ये तेल सीड्स आई मीन ऑयल सीड्स से हम ऑयल निकाल सकते हैं वो सही बनना है बस कच्चे गाने से नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई हीट कम कर सकते हैं so, सो ज़्यादा चाहिए नहीं चाहिए आपको बहुत कम चम्मच पाँच चमच बस इतना ही सो देर इज़ नो नीड फॉर लार्ज अमाउंट्स सो यू डोंट नीड लीटर्स एंड लीटर्स ऑफ इट हर हर दिन आपको चार पाँच चम्मच ये सही तेल लेने से आपका आरोग्य बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारा अच्छा Uh, बात आपको uh, मिल जाएगा सो प्लीज़ शिफ्ट फ्रॉम दिस रिफाइंड ऑयल्स टू नेचुरल ऑयल्स वो तो हमारा देसी संप्रदायित है कच्चे गाने में वो तो एक कच्चे गाने में चलाने में हमको uh, uh, बुल्स या के oh, hmm. वो, वो, तो वही वो भी वो बन जाता है ना वी वी कैन टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ बुल्स एंड अदरवाइज वी आर ऑल सेंडिंग देम टू स्लॉटर हाउस वो तो सही नहीं है सो ये मांस खाने का आदत भी हम छोड़ना है तो सर आपने जो बताया अब तक उसमें हमने ये बात सुनी है कि आ, हमारा जो खाना है हमारा जो आज का टॉपिक है चेंज द फूड एंड चेंज द लाइफ खुराक बदलो जीवन बदलो बदलो जीवन बदलो हम भी गुजराती बात कर रहे हैं तो यही है सर हमारे गुजरात के खाने में जो था गेहूं चावल चीनी दूध और ऑयल भी आपने बोल दिया कि रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए हमारे हेल्थ के लिए बहुत, बहुत खराब बुरा असर पड़ता है और उसमें वो कच्ची घानी का तेल वो लेना चाहिए आ, क्या नहीं खाना चाहिए वो तो हमने देख लिया मगर अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमें खाना क्यों चाहिए खाना क्या-क्या चाहिए कौन सी चीजें खानी चाहिए जैसे आपने मिलेट्स ये तो मतलब ये धान्य होता दान्य, है अनाज आज, आज, मोटी अनाज मतलब कोई छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको कहते हैं मोटी आज, ये छोटे छोटे दाने कौन कौन से उसके नाम क्या है वो जरा बता दीजिए सर और वो खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए वो तो ही हमारा सही खाना है वो तो ही हमारा देसी आहार है कभी भी कहीं भी जाओ पिछला पहले सब जगह पे यही दाना मिलते थे तो गुजरात तो कोदरी चावल बोलते हैं कोदरी कोदरी तो कोडो चावल कहला जाता है दैट इज़ का भी कहला जाता है संस्कृत में का ये सूर्य भगवान का किरण मिलने से हिमालय रीजन में ये मिलेट उगा जाती थी सो वी हैव फॉरगॉटन बहुत सारा जगह पे फॉरेस्ट में छत्तीसगढ़ वहाँ अभी अभी भी ये ए, ए मिलेट है ट्राइबल्स ने खाते ही है एंड दे आर वेरी हेल्थी वेरी हेल्थी एंड नेक्स्ट है, कांग कांग ने ने, है fox ने. तो बहुत अच्छा है ए, आपका न्यूरोन्स टू रिप्लेस राइट न्यूरोन्स तो टू रिपेयर द नर्वस सिस्टम एंड आपका श्वासकोश श्वासकोश क्या बोलते हैं लंग्स लंग्स गुजराती में स्वसंतंत्र उस अंग को शुद्ध करने के लिए ये रेश है ना ये फॉक्सटाइल मिलेट में रेश फाइबर फाइबर वो बहुत अच्छा काम करता है सो so, ये मिलेट्स पांच मिलेट में ये सिरीधान्य कहते हैं हम श्रीधान्य क्योंकि हमको आरोग्य सिरी द वेल्थ ऑफ हेल्थ इज गिवन बाय दिस वंडरफुल फाइव ग्रेन्स इसीलिए हम इस पांच दाना को सिरीधान्य नाम दिया है ओ ये सिरीधान्य से हमको ये पांच श्रद्धानी से हमारा शरीर में रहने वाला बहुत सारा डिफरेंट पार्ट्स को हम क्लीन कर सकते हैं ये रेश ये आर्क ये कोडो चावल का रेश हमारा मूल मज्झ और मैरो को शुद्ध कर जाता है और बॉर्निड मिलेट वो क्या कहते सणवा वो तो बहुत अच्छा है हमारा सॉफ्ट पार्ट्स को वो जिगर को और किडनी स्मूत्रपिंड को और प्लीह और स्प्लिन एंड पैंक्रियास ऐसा सॉफ्ट पार्ट्स को क्लीन करने में ये सणवा बहुत अच्छा है इसका रेश, सो ये सॉलिबल फ़ाइबर है इन फ़ाइबर है और ये इंसॉलीबल फ़ाइबर हमारा गट में इंटेस्टाइन में और पचना नाल में जाके बैठ के माइक्रोबियल बैलेंस को सही तरफ ला जा ला सकती है और हमारा माइक्रोब्स सही नहीं तो हमारा दिमाग भी नहीं सही तरह से चलता है सो एक्चुअली इफ दिस इज़ योर फर्स्ट ब्रेन सेकेंड ब्रेन इज हियर इन योर टमी ये तो सब लोग को जानना है और हमारा ये गट का माइक्रोब्स ही हमारा सही स्वास्थ्य का पहला कदम उठा सकते हैं टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शंस इस काम के लिए भी सही माइक्रोब्स हमारा पेट में भरना है इसीलिए ए पांच पाँच दाना का खमीर फर्मेंटेड पॉरेज इज़ द बेस्ट वे टू फिल योर माइक्रोबियल बैलेंस यही है काम सही काम यू सी दिस ग्रेन्स कैन रिमूव योर माइक्रोबियल बैलेंस इम्बैलेंस ग्लूकोज इम्बैलेंस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस सो ये तीन इम्बैलेंसेस ही सब बीमारियों का फाउंडेशन है आजकल सो so, वो हम सही लाने से समतुलन लाने से हमारा स्वास्थ्य बन जाता है इसीलिए इसी तरह इस मोड पे ये पांच धन हमारा काम में हमारा स्वास्थ्य वापस लाने में ये मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीजस कहला जाता है मधुमेह रोग बीपी थायराइड सब कुछ ये सब प्रॉब्लम्स को हम हमारा शरीर से भगाने के लिए यही है अद्भुत सुंदर सरल मार्ग एंड हम ये सब धानियों को बहुत कमी पानी मिलने का जगहों पे भी उगा सकते हैं तो राजस्थान गुजरात में भी कहाँ बहुत कम पानी है। पानी है होती और बारिश होती है सो दिस इज़ हाउ वी कैन ब्रिंग बैक ऑल द लैंड बहुत सारा ये कृषि क्षेत्र अब खाली पड़ा है कोई काम नहीं कर रहा है ये सब हम ए ब्यूटीफुल फूड वंडरफुल अद्भुत आहार हम उगा सकते हैं तो सर आपका कहने का मतलब है कि गुजरात में जो जहाँ पे बारिश कम हो रही है yes. और गुजरात में कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ बारिश कमी होती yes. है तो वहाँ पर ये ग्रेन हम उगा सकते हैं yes yes, 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 कितना रेन चाहिए 25 मिलीमीटर से फिफ्टी मिलीमीटर साइज बस इतना ही चाहिए 25 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर तक चार पाँच बारिश होने से हम ये सब उगा सकते हैं एंड ए सी वो ब्राउन टॉप मिलेट है तो सिक्सटी डेज में हम ब्राउन टॉप मिलेट ब्राउन टॉप मिलेट ओके हरा सामा बोलते हैं हिंदी में हरा सामा हरा सामा एंड वेरी गुड ग्रेन इसके अंदर ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट बारह परसेंट प्रतिशत हमको फाइबर मिलता है एंड इस रेशियो ही अति कम है पाँच द लोवेस्ट एंड सो यू कैन क्रिएट वंडर्स टू योर हेल्थ विथ दिस फाइव ग्रेन सर आपने बताया कि ये कम रेन में भी हो जाता yes. है मगर वो आ, हम कहीं पे मतलब उगाते हैं तो इसमें दवाई का या पेस्टिसाइड का कितनी जरूरत होती है कोई ज़रूरत नहीं है तो पानी ना हम ना ही भर रहे हैं ना सो तो ये फर्टिलाइजर्स का ये पेस्टाइड्स का कोई काम नहीं है एंड दिस ग्रासेस आर रेसिस्टेंट फॉर मैनी डिसीज एंड दिस आर डेजर्ट नियर द डेजर्ट ऑल्सो यू कैन ग्रो सो देर इज़ नो प्रॉब्लम अट ऑल देर इज़ नो नीड फॉर फर्टिलाइजर देर इज़ नो नीड फॉर पेस्टिसाइड पानी का तो ज़रूरत ही नहीं है चार बारिश बस इतना ही सो इट इज़ सो ईजी टू ग्रो एंड सो गुड फॉर द एनवरमेंट बिकॉज हम अभी तो ये चावल उगाने में बहुत सारा मीथेन बन, मीथेन बन रहा है मीथेन बन रहा है मीथेन बन रहा है वे तो ग्लोबल वार्मिंग का वेरी बैड एजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन ज़्यादा होने से बहुत प्रॉब्लम सकता तो है आपका कहने का मतलब ये है कि ये पांच दाना उगाने से so, हमारे पर्यावरण को भी फायदा होता है बहुत फ़ायदा होता है वेरी नाइस पॉइंट वी आर टॉकिंग सो वी कैन टेक केयर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आल्सो वी हैव टू शिफ्ट आजकल हम क्या उगा रहे हैं ये तरीका सही नहीं है वेरी अनसाइंटिफिक है इतना हम गोबर डाल रहे हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं वी आर स्पॉइलिंग आवर वाटर बॉडीज आवर लैंड हमारा कृषि क्षेत्र को बहुत कलमश बन रहे हैं कलमश डाल रहे हैं ये टॉक्सिक मटेरियल्स है सब हम डिस्टर्ब कर रहे हैं हम हमारा खाना को बदलने से ये सब प्रॉब्लम्स हम खत्म कर सकते हैं सर आपने अब तक चार पांचों में से चार मिलिट की बात की कोदरी कोडो मिलेट्स yes. फिर फॉक्स मिलेट्स कांग फिर आपने बात की ये सणवा और बार्नियर मिलेट।, मिलेट फिर आ, एक आपने बात की आ, अभी एक जो पांचवा रहा लिटिल मिलेट, हा, मिलेट। हा, हा, जिसको हम सामा कहते में। है। सामो है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट धान्य है ये तो उत्तर भारत देश में व्रत का चावल भी कहला जाता है तो क्या मतलब है आप एक बार ये सामा खा के बैठा तो आप कल आने का कल तक कुछ भी नहीं चाहिए आपको यही है है है। काम। पेट पेट भी जाता है हाँ, भी बहुत जाता जाता बहुत ज्यादा yes, yes, आप इस सब दाना से आप पराठा भी बन जाता है आप कुछ भी बनो ढोकला भी बन सकता अच्छा, है अच्छा वो पांच दाने से yes. आ, सब कुछ रोटी बन रोटी, सकती रोटी है बन है पराठा यस पराठा भी बन सकती है ढोकला भी बन सकती है आप पाम जागरी वो मीठा बन के आपको आ, बहुत सारा यू कैन मेक खीर आउट ऑफ दैट सब कुछ बन सकता है तो अब तक हमने सर से सुना कि हम गुजरात में जो या हमारी थाली में जो होता है आ, एमा हूँ बात करूँ तो आपने घऊ चोखा खांड દૂધ અને તેલ આ બધી જ વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક ખોટી રીતે ખવાઈ રહી છે અને એને કારણે આપણી તંદુરસ્તી બગડી રહી છે અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ચારે બાજુ ડાયાબિટીસ બ્લડ પ્રેશર થાઇરોઇડ કેન્સર અને અનેક જાતના રોગોથી આપણે પીડાઈ રહ્યા છીએ એટલે આપણે એ બધી વસ્તુઓને આપણો ખોરાક બદલવો પડશે સાહેબના કહેવા પ્રમાણે બીજું સાહેબનું કહેવું એવું છે કે જે પાંચ દાણા જે છે જે આપણા બાપ દાદા ખાતા હતા જેને આપણે કહી શકીએ કોધરી કાંગ સામો બંટી બાવટો નાગલી ફિંગર મિલેટ જેને કહેવાય રાગી આ બધા જે મિલેટ્સ છે નાના નાના ઝીણા દાણા છે એ આપણે ખાઈએ તો ફાયદો એ છે કે એની અંદર ફાઈબરનું પ્રમાણ હોવાથી એ આપણા શરીરની સફાઈ કરે છે અને અલગ અલગ જે મેટ્સ છે એ આપણા શરીરની અલગ અલગ જે ગ્રંથિઓ છે અલગ અલગ સિસ્ટમ છે નર્વસ સિસ્ટમ છે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે આપણા ફેફસા છે લિવર છે આ બધાને શુદ્ધ કરે છે પ્લસ તાકાત અને ગ્લુકોઝ પણ ધીરે ધીરે આપણા બ્લડમાં આવે છે જેથી કરીને એક એક સાથે ગ્લુકોઝનો ફ્લો થતો નથી એ પણ ફાયદો થાય છે સૌથી વધારે સરસ તમે એ વાત કરી કે સર આ ધાન્ય સૂકા ભઠ્ઠ જે વિસ્તાર છે हमारो साइब कच्छ नो रण yes. विस्तार सब सब उगा उगा है। है। हर, नहीं है ये। और ग्लोबल वार्मिंग में भी वो फायदा करता है करता इतनी है। बात तो सर हमने सुनी और मिलेट्स तो हम समझ गए मगर इस मिलेट्स के साथ सर ये बाजरी है ये रागी है जो पांच दाने में नहीं आता है तो वो मिलेट हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते उसको क्या बोलते है उसको तटस्थ दानी बोलते हैं न्यूट्रल मिल ग्रेन्स न्यूट्रल मिलेट्स बोलते हैं क्योंकि आपको बीमार आ गई है सो यू आर अ डायबिटिक पेशेंट यू आर अ बी पी पेशेंट यू आर अ कैंसर पेशेंट तो ये बीमारी से हमको बाहर नहीं ला सकता है क्योंकि इसका रेशियो भी डबल डिजिट्स में है उतना ज्यादा नहीं है हम देखेंगे जरा स्लाइड, स्लाइड में ओ तो जूम करना Uh... स्लाइड में आपड़े જોઈ સકીએ છીએ કે જે આમાં ત્રણ પ્રકારના સાબ મિલેટની વાત કરે છે ઘવને ચોખા એ નેગેટિવ મિલેટ્સમાં આવે છે જેથી કરીને આપણને બધી બીમારી થાય છે બીજું જે પાંચ ધાન્યોની વાત કરી તે પોઝિટિવ મિલેટ્સ છે જેના કારણે જ્યારે ہم બીમાર હોતે ہیں તો ہمیں પોઝિટિવ મિલેટ ખાને છે આપકા યે કહેના સર કા યે કહેના કી વો ખાને સે અમારી બીમારી રિવર્સ હો જાતી હૈ uska time જરૂર لگتا હૈ ઓર ઉસકે સાથ ઓર કુછ ચીજે મે કરની પડતી હૈ વો સર સે હમ જાનेंगे ઓર તીસરા જો ન્યુટ્રલ મિલેટ્સ હે જેસે હમ બાજરા બાજરી કા રોટલા ખાતે મુકકઈ ખાતે હે खाते फिर रागी फिंगर मिलेट खाते हैं वो सब चीज़ें हैं वो भी खानी चाहिए मगर वो बीमारी को रिवर्स नहीं कर सकती है।, है, पर खाने, के लिए, अच्छी खाने है। के लिए अच्छी है और आप जरूर गेहूँ और सफ़ेद चावल को छोड़ दीजिए रागी खा सकते हैं बाजरा खा सकते हैं और ये सब पाँच न्यूट्रल मिलेट्स आप कोई प्रॉब्लम नहीं है खा सकते हैं आपको बीमार है बीमारी बहुत ज़्यादा है डायबिटीज़ है थायराइड प्रॉब्लम है ये सब प्रॉब्लम रहने से आपको रिवर्स करना चाहिए तो ये पांच दाना पॉजिटिव मिलेट्स एक दो तीन साल खाने से आपको सब कुछ अच्छा होता है स्वास्थ्य मिल जाता है उसके बाद आप रागी खा सकते हैं प्रोसो मिलेट खा सकते हैं और जोवर का रोटी खा सकते हैं ये सब कुछ खा सकते हैं सो ये दस मिलेट टेन मिलेट्स को आप खा सकते हैं लेकिन आप बीमारी है बीमारी आपका शरीर में फैल रहा है तो ये पांच दाना को आप आपका मूल आहार बना दीजिए स्वस्थ बन जाइए अगेन so क्या कहना है सर बदलाव खरोट चेंज योर फूड चेंज द फूड चेंज लाइफ खोराक बदलो जीवन बदलो खोराक बदलो, जीवन बदलो बहुत सर, अच्छा लग तो <laughs> <सीखी लिया है। laughs> ही नहीं, नहीं, तो बार बार <laughs> उसमें आपने जो हम जो खा रहे थे उसमें ग्लूकोज <laughs> ज्यादा है तो हम अब मिलेट्स खाएंगे जिससे हमारा ग्लूकोज का बैलेंस ठीक होगा हाँ ग्लूकोज बैलेंस ठीक होने से शुगर नहीं ज्यादा है इससे हमारा माइक्रोबेल बैलेंस बन जाता है सो चीनी ज़्यादा होने से हमारा खून में माइक्रोबेल इम्बैलेंस होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया ज़्यादा बन जाता है इन्फेक्शंस ज़्यादा होता है सो बीमार को हम एक दिशा में बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं सो उसको रिवर्स करने के लिए ग्लूकोस बैलेंस लाना है वो बैलेंस लाने के हमारा मोटी अनाज बहुत अच्छा काम कर सर ये माइक्रोबाइल इम्बेलेंस हमने कभी आपसे भी सुना है और हमारे गट्स में जो माइक्रोब yes. जो होते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया जिसे हम बोलते yes, हैं।, हैं वो हमारी बहुत सारे मतलब सेकंड ब्रेन आप बोलते हैं yes, ये न्यूट्रिशनल हम खा सकते हैं खाने के बाद सही जगह पे सही प्रमाण में कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन ट्रांसपोर्ट करता है ये ट्रांसपोर्टर्स रेगुलेटर्स मॉड्यूलेटर्स वो सब ये माइक्रोब्स हमको हमारा जीवकोश से इंटरेक्शन में बहुत सारा लोग आ, समझ रहे हैं ये माइक्रोब्स का क्या काम है और एक्चुअली ये प्रोबायोटिक विदाउट दैट देर इज नो हेल्थ एंड हमारा कोश से दस गुण ज़्यादा कोश ये सूक्ष्म जीव का कोश हमारा गट में है इसलिए बोलते हैं ना हमारा इवन इंग्लिश में गट फीलिंग बोलते हैं गट फीलिंग गट फीलिंग दैट मीन्स हाँ हम हमारा दक्षिण भारत देश में वो वो ऐसा ही बात करते हैं सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हम भूल गए हैं सो दिस इज़ द सेकेंड ब्रेन विच कंट्रोल्स योर ब्रेन इनफैक्ट योर मेंटल हेल्थ आपको शांति चाहिए हेल्थ चाहिए रेस्टलेसनेस से हम बचाना चाहिए एंड ओल्ड एज प्रॉब्लम्स को हम दूर करना चाहिए ये सब के लिए ये माइक्रोवेव बैलेंस बहुत ज़रूरी है और हम वो माइक्रो बैलेंस को हम वापस ला सकते हैं एक खमीर पीने से सर ये खमीर की आप बात करें हो तो हम थोड़ा ये समझे कि, कि खमीर बनाना कैसे मैं अपने दर्शकों को यस ये या, बहुत सीधा साधा सरल विधान है ए आप किसी को ये मोटे अनाज को ले एक टम्बलर उसको दस गुना ज़्यादा पानी आप पंद्रह गुना पानी ज़्यादा में भिगोना है भिगोना क्यों ये सब धान्य में ये दाना में रेश का प्रमाण बहुत ज़्यादा है वैन यू कंपेयर टू राइस और वीट राइस में तो नहीं है पॉइंट टू ग्राम्स है कुछ भी नहीं है वहाँ पे और गेहूँ में वन पॉइंट टू ग्राम्स है हम तो ब्लीचिंग करके हम आटा बनाए वही so निकाल फाइबर फाइबर निकाल देते, देते हैं है। है। वो वो तो बहुत बुरा बात है वाट एवर लिटिल इज़ देर वी आर रिमूविंग इट ओके बट इवन इफ इट इज़ देर कुछ का काम नहीं है वो सो so, ये फाइबर ज़्यादा है इसीलिए हम ये मोटी अनाज को सही प्रमाण में सही समय दैट मीन्स सिक्स टू सेवन आवर्स छः से आठ घंटे तक हम भिगोना है क्यों भिगोना है ये रेश को हम जलभूरित करना है जलीकरण करना है वो तो हाइड्रेट हाइड्रेशन कहला जाता है सो so, ये फाइबर को हाइड्रेट करना है पानी खींचता है हाँ पानी खींचता है सो इनफैक्ट टेन ग्राम्स ऑफ फाइबर कैन अब्जॉर्व ऑलमोस्ट सेवन टू एट टाइम्स ऑफ वाटर सो दैट दैट मच वाटर इट कैन होल्ड वंस यू हाइड्रेट ये भिगोने से वो विकसित हो जाता है एंड हम वो उबालने में और पकाने में तो बहुत सीधा साधा पक जाता है वो सो टू कुक वेल यू नीड टू सोक इट सो सोक द ग्रेन भिघोना है एक छः से आठ घंटे तक क्योंकि रेस का प्रमाण बहुत ज़्यादा है इस पाँच दाना में सो यू प्लीज सोक द ग्रेन इसके बाद 10-15 मिनट धीरे आग में आप उबाल सकते हैं वो तो पारिज बन जाता है गंजी बोलते हैं हम गंजी गंजी ए, सामा का गंजी तो बहुत अच्छा है आपके लिए व्हेन यू आर सिक व्हेन यू आर हैविंग फीवर और कोल्ड कॉफ और कुछ भी कैंसर भी वो वो तो भी सही बनता है सो यू प्लीज टेक द परिज व्हेन यू हैव फीवर वेरी इजीली डाइजेस्टेबल सामा का तो गॉड गिवन गिफ्ट फॉर यू व्हेन यू आर सिक तो आप सब लोगों को याद ही होता है ना तो आप बीमार पड़ गया है हम गंजी देते थे अब तो सब लोग पलाव खा रहे हैं वो तो अलग बात है बहुत बुरा है वो गंजी को हम एक मिट्टी का बर्तन में एक खादी ए, कपड़ा लेके बांध के और सात आठ घंटे लगाने से फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है फर्मेंटेशन को गुजरात में क्या बोलता है कि आप दूध को छाछ बनाते हैं ना दही बनाते हैं वो फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस कर जाता है ऐसा ही फर्मेंटेशन शुरू होता है एक, एक पॉरिज में सो फर्मेंटेड पॉरिज को हम खमीर कहता है सर ये आपने बताया कि मैं जो समझा कि किसी भी दाने से yes. हम ये पोरिज बना, बना सकते हैं खमीर बना सकते हैं बन उसका प्रोसेस ये है कि हमें ये दाने लेने हैं किसी भी दाना है हमारा जो मिलेट्स अच्छा पॉजिटिव मिलेट्स और उसमें जो जितना भी हम दाना लेते हैं उसे छः सात आठ गुना पानी नहीं दस गुना दस गुना पानी उसमें डालना है और डालने के बाद छह से आठ घंटे तक उसको भिगो देना है આપણે પાણી નાખીને એને પલાળી દેવાનું છે અને બની શકે તો માટલું માટીનું માટલું લેવાનું છે અને અગર વો સર મિટ્ટી કા ન મિલે તો સ્ટીલ કા નહીં સ્ટીલ કા નહીં પોર્સલિન બન જાતા હૈ પોર્સલિન તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હોતા પોર્સલિન ચલતા હૈ પોર્સલિન ચાલતા હૈ સ્ટીલ મેં ફર્મેન્ટેશન સહી નહીં હોતા ઓક્સિજન એરેશન અને પછી ઠંડુ થાય એટલે એની ઉપર એનું જે મોઢું હોય છે એની ઉપર એક ખાદી નું કપડું બાંધી દેવાનું છે અને ફરી પાછું છું રખ દેલા હૈ બાદ ફર્મેન્ટેશન અમારે ગુજરાતીમાં આથો આવવો કેવાય

और न्यूट्रिशन का सही डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ सब काम बन जाता है सो दैट्स वाई इट इज़ लॉजिस्टिक्स वेयर टू सेंड हाउ मच ए विटामिन वहाँ कितना प्रमाण में जान चाहना है वो हम भेजना है ये सब काम ये माइक्रोब्स हमारे लिए करता है सर आपने बताया कि बी ट्वेल्व में से मिल रहा है तो हमारे गुजरात में तो जितने जी, भी हम पेशेंट्स को देखते हैं ज़्यादातर आते हैं कि बी ट्वेल्व की है और हम लोग बी ट्वेल्व की टेबलेट सब खाते हुए देख रहे हैं तो फिर बी ट्वेल्व की टेबलेट ले, लेनी, लेनी चाहिए या फिर एक खमीर पीने से आपको सब काम हो जाता है एंड uh, आजकल तो डॉक्टर्स और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज मेनी पीपल टेल ओ यू गेट वेट बी ट्वेल्व मीट हाँ मीट खाने का ये, बोल मीट इंडस्ट्रिया मीट, मीटिंग मीट, वेटीट, मीट, हाँ, तो कम ही होता है ऐसा ही बात कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है खमीर आ गया है हमारा जीवन में बदलाव करना है बस इतना ही विटामिन बी ट्वेल्व सही प्रमाण में सही तरीका एक ही है वो खमीर आपका रसोई घर में हर रोज बना के एक टम्बलर पी लेना बस सब काम खत्म आपका चिंता खत्म मगर सर इसमें हमने देखा है कि जो वेजिटेरियन है उसको तो सही है मगर जो नॉनवेज खाते हैं उसको भी बी की डेफिशिएंसी है तो क्या मीट से वो मिलता नहीं है <laughs> नहीं मिल रहा है ना ये तो हमको प्रामाणिक रूप में रिजल्ट आ रहा है सब लोगों में इंक्लूडिंग फॉरेन कंट्रीज वेयर पीपल ईट मीट ऑल द थ्री टाइम्स दे हैव आल्सो गॉट मिन बी ट्वेल्व प्रॉब्लम ये लोग भी अभी भी ये प्रोबायोटिक कैप्सूल्स ले रहे हैं तो ये सही बोल रहे हैं हम दिस इज़ दी पॉइंट सही प्रमाण में आपको ये विटामिन नॉट ओनली विटामिन बी ट्वेल्व सब विटाम्स को सही तरफ से अब्जॉर्ब करने का ये न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारा शरीर में मिलना है तो वो हम सहज प्राकृतिक सिद्धांत के प्रकार इफ़ यू ईट द राइट फूड यू विल गेट ऑल द राइट थिंग्स यू कैनॉट गेट इट फ्रॉम सप्लीमेंट्स ए सप्लीमेंट्स खाने से टैबलेट लगाने से ये सब आपको सही प्रमाण में सही तरह से नहीं मिलता है ये तो प्रूव हो चुका है ना आप ए फोर्टिफाइड कैल्शियम विटामिन डी मिल्क पी रहे हैं बहुत सारे लोग फिर भी आपको विटामिन डी प्रमाण कम है विटामिन बी ट्वेल्व के लिए ए, ए मीट खा रहा है वो खा रहा है फिर भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है दैट मीन्स दिस इज़ नॉट द राइट वे वो सही मार्ग नहीं है आपको ए जीवसत्व तुम्हारे शरीर में लाने के लिए पाने के लिए सही सहज सिद्ध मार्ग यही है आपको खमीर तुम्हारा रसोई घर में लाने का बहुत ज़रूरी है सो दिस इज़ ऑल दैट यू कैन डू वेरी सिंपल मेथड्स અત્યાર સુધી જે સાહેબ પાસેથી આપણે વાતો સાંભળી એમાં સૌથી પહેલું ગ્લુકોઝને બેલેન્સ કરવા માટે સાહેબના સુઝાવ પ્રમાણે આપણે નેગેટિવ મિલેટ્સમાં જે ચોખા ઘઉં આવે છે ખાંડ છે એ બંધ કરવી જોઈએ આપણે દૂધ પીવાની સર ના પાડે છે તો એ સિવાય એ એનાથી ગ્લુકોઝ બેલેન્સ થશે માઇક્રોબાયલ બેલેન્સ માટે એ પાંચ મિલેટ્સ ખાવાની વાત કરે છે પાંચ મિલેટ્સના જે નામ છે એ અલગ અલગ ભાષામાં શું હોય છે આપણે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકીએ છીએ કે ગુજરાતીમાં આ પાંચ મિલેટ્સને શું કહેવાય છે આ જે ધાન્ય જે છે એની અંદર ફાઇબરનું પ્રમાણ વધારે છે જેથી કરીને આપણા શરીરની સફાઈ થાય છે બે વસ્તુ આપણે સમજ્યા સર હવે આપણે એ સમજવાની કોશિશ કરીએ કે જે અમે લોકો ગુજરાતની અંદર અમારે ઘરે સવાર પડે ચાથી પડે છે हमें लोगों हम हम चाय पीते हैं और चाय पे चर्चा करते हैं और चाय के लिए हम जाने जाते हैं, हैं। चाय कॉफ़ी के बिना तो हमारी नींद उड़ती ही नहीं है तो उसके बारे में आप हम हमें क्या कहेंगे सर गुजरात नहीं है सारा विश्व एक काफ़ी चाय पे लगा हुआ है द मोस्ट ट्रेडेड मटीरियल इन द वर्ल्ड इज कॉफ़ी कॉफ़ी तो बहुत बुरा है क्योंकि ये हमारा दुश्चट है ए एडिक्शन बन जाता है एडिक्टेड दैट इज़ समल्कोलाइट्स कॉल्ड कैफ़ीन बहुत ज़्यादा है आपके चाय में भी वो कैफीन है सो दे मे से सम गुड थिंग्स हैपन इफ़ यू टेक टी चाय पे बहुत अच्छा है जापान टी है चाइना टी है ये टी है वो टी है ये सब हमारा भारत देश का संप्रदाय एक काढ़ा पत्ता का काढ़ा पीने से ही बहुत सारे लोग सीखा है लेकिन हमारा साम्प्रदाय ये था तुलसी का काढ़ा पियो, सो so, तुलसी एक चार पाँच मिनट उबालने से वो काढ़ा बन जाता है डिकॉक्शन बन जाता है वो पीने से हमको सब कुछ अच्छा होगा दूरवा काढ़ा का पियो पीपल का पत्ता का काढ़ा पीना ये सब सब पत्ता का हम आसपास हमारा पर्यावरण में रहने का पत्ते का काढ़ा पीना है हमारा साम्प्रदाय वो तो अच्छा था क्योंकि इस पत्ता का काड़ा में हम कोई एडिक्टिव केमिकल्स नहीं है लेकिन कॉफ़ी बीन्स में और चाय का पत्ता के लीफ में एक कैफीन एन अल्कोलाइड विच कैन एक्चुअली डिस्टर्ब योर नर्वस स्टेबिलिटी यू कैन बिकम डिपेंडेंट ऑन दिस केमिकल्स यही कारण है आपको चाय और कॉफी अच्छा नहीं है ये साइंटिफिक रीज़न है आपको नर्वस डिस्टेबलाइजेशन स्लोली एंड स्लोली सेट्स इन धीरे धीरे से आपको ये प्रॉब्लम शुरू होता है और इसके बाद आपको काफ़ी नहीं पीने से बहुत सारा घबरा घरावट होता है सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग अडिक्टेड ये चाय नहीं तो है कैसा होता है जीवन सो so विद चाय क्या है लाइफ इतना दूर तक आप आ जाता है सो दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एडिक्शन ये तो आपको बचना है आपको काढ़ा पीने का आदत शुरू करना है और यू कैन गेट डी एडिक्शन फ्रॉम पारजात हर श्रृंगार का पत्ते से और आपको वो गिलाई गिलाई यू you नो know? हमारे गुजराती में गड़ो, गड़ो, आ, को गड़ो, गड़ो उसका काढ़ा तो बहुत अच्छा है आपको ये डीडिक्शन नॉट ओनली कैफीन आपको ये सिगरेट पीने वाला गुटखा खाने वाला ये सब तंबाकू तंबाकू में निकोटिन अल्कलाइड है ऐसा ही आप चॉकलेट भी एडिक्शंस होता है उस बहुत सारे बच्चे भी ये चॉकलेट पे एडिक्ट हो रहा है उसमें भी एक अल्कलाइड है सो आप उससे बचना है डोंट गेट एडिक्टेड टू दिस थिंग्स एंड ऑफ कोर्स दारू दारू पीने का तो बहुत बुरा प्रॉब्लम है बहुत सारा जग का प्रॉब्लम बन चुका है ड्रिंकिंग ऑल्कल ये सब बुरा आदत है और दारू पीने से तंबाकू खाने से सिगरेट पीने से ये सब एडिक्टिव केमिकल्स क्लाइड्स और ऑफकोर्स दारू तो बहुत बुरा है डिफरेंट केमिकल है वो तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है सो so, हम ये एडिक्शन से बचने का बहुत सीधा साधा उपाय है यही है हमारा काशाय सो so, ये काशाय बहुत इम्पॉर्टेंट है गलाई का और ए, ऑयल क्या कहते हैं एर तेल हमारे उसका पत्ता भी बहुत अच्छा काम करते हैं ये डी एडिक्शन का काढ़ा है हम ये सब प्रामाणिक रूप में प्रायोगिक रूप में बहुत सारा लोगों को ये काढ़ा पत्ता डिकॉक्शंस पीने के बाद पिलाने के बाद बहुत सारा लोग वापस आ गए हैं नॉर्मल लाइफ पे ये अडिक्शन से दूर कर सकते हैं हम सो so, ये सब हमारा प्राकृतिक स्वाभाविक सहज सिद्ध रूप में हमारा परिसर में पर्यावरण में बाग में ऐसा ऐसा वैसा हमारा ये सांप्रदाय था एक पत्ता का काढ़ा पीना एंड यू नो देर इज नो होम इन इंडिया विदाउट तुलसी प्लांट क्यों इसका नैनो पार्टिकल्स इसका हवा में भी हमको अच्छा हो जाता है सो so, हमारा ये सांप्रदाय काषाय और कषाय काषाय मैंने एक विटामिन सूर्य नमस्कार यू नो यू यू गिव योर सेल्फ फॉर फिफ्टीन मिनट सैल्यूटेशन सूर्य नमस्कार तो तो विटामिन डी बन जाता है और बहुत सारा बायोलॉजिकल रिएक्शंस ए प्रक्रिया जीव प्रक्रिया हमारा शरीर में शुरू हो जाता है सो so, एक काशाय और कषाय ये दोनों हमारा देसी संप्रदाय है सो यू प्लीज माइंड लाइफ बाई चेंजिंग द फूड एंड आवर देसी संप्रदाय को अपनाने से बट इतना सिंपल है गेटअप इन द मॉर्निंग सी फाइव टू टेन मिनट्स सूर्य नमस्कार लगा दीजिए आपका बहुत सारा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम्स अच्छा होने को शुरू हो जाता है ट्वेंटी वन डेज यू विल फाइंड द डिफ्रेंस सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स आपको शुरू कर दीजिए कल से ट्वेंटी वन डेज में आपको व्यस आपको दिखा सकते हैं यू कैन शो योर सेल्फ द डिफरेंस तो सर आपका ये कहना है कि सूर्य नमस्कार भी हमारी हेल्थ में बहुत फायदाकारक है विटामिन डी उसे से मिलता है yes. मगर एक क्वेश्चन में करूँगा सर सुबह में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता मेरे पेशेंट्स बोलते हैं कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है दोपहर में हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और सुबह में करने से या दोपहर में करने से क्या डिफरेंस है दोपहर में सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते क्योंकि वो नो दैट फिफ्टीन डिग्री एंगल तो नहीं होता है हमारा देश में ट्रॉपिकल कंट्री सैंड नियर इक्वेटर इट्स वेरी हार्श वेरी हार्श होता है सो विटामिन डी तो बनता है लेकिन बहुत डिफरेंट होता है सो so, हमारा तो ये काशाई रंग तो बहुत अच्छा है नॉट ओनली फॉर केसरी कलर हाँ केसरी कलर केसरी कलर सुर्या नो सूर्य जरा तेरे सवार सूर्य नमस्कार करवो जो, जो, जो है यस 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 विट इज सो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर मेनी अदर स्टेरॉइडल कंट्रोल रेगुलेशन एंड बायोलॉजिकल क्लॉक सर्केडियन रिदम्स क्या कहते हैं और बहुत सारा बहुत सारा लाभ है साइंटिफिक रीजन है उसके रीजन है एंड अभी अभी लोग इसका मान्यता दे रहे हैं सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वी स्टार्ट आवर लाइफ विथ सूर्य नमस्कार वही हमारा पूर्वज ने बता रहे है ए एक पाँच मिनट सूर्य नमस्कार लगाओ ये तो सात और बीस पर एक नो सेवन फोर्टीन ट्वेंटी वन ये सात नंबर तो मल्टीपल्स ऑफ सेवन यू डू मैक्सिमम ट्वेंटी वन इज़ गुड इनफ़ पर डे नो पंद्रह मिनट बीस मिनट में लगा सकते हैं नहीं तो आप जस्ट शेयर कर सकते हैं इफ़ यू कैनॉट डू सूर्य नमस्कार एटलीस्ट बी इन द सन फॉर 15 20 मिनट्स तो आप बीमारी है कैंसर है फिर भी आप जाके बैठ सकते हैं यू कैनॉट इवन वॉक प्लीज़ सिट देयर फॉर 21 वन डेज यू टेक द पेशेंट एंड मेक देम सिट इन दिस एंड यू विल सी द डिफरेंस इन 21 वन डेज हम तो बहुत सार सारे बीमारी ऐसा सही तरह से स्वास्थ्य के मार्ग में ले आ रहा है सो प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी साइंटिफिक And many people may think oh it is yoga योगना वो तो ये तो forget about all that just be in the sun and you being born in India learn the सूर्य it's a wonderful thing and you will get lot of health sir सर सूर्य नमस्कार के बारे में और जानना चाहेंगे सूर्य नमस्कार साइंटिफिक तो है अब आप जो सिद्ध हो चुका है मगर जो सूर्य का जब किरणें होती है वो हमारे स्किन पर गिरती है तो उसे कुछ हमारे अंदर कोई प्रोसेस होती है कि हो येस येस द कोलेस्ट्रॉल गेट्स

बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अभी तो मिल रहा है साइंस में सो इट्स अ वंडरफुल थिंग हमारा पुरोजनी ने बहुत सारा हजार बरस सालों के पहले ही ये बात कर चुका है एंड देर इज़ नो प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ स्टार्ट अस सूर्य नमस्कार सो प्लीज़ मान लीजिए हमारे तरफ से बहुत सारे लोगों को हम ये बात uh, बोल रहे हैं और करोना भी हम दूर कर सकते हैं विद इन सिक्स वीक्स यू कैन बिकम वेरी स्ट्रांग इन योर इम्यूनिटी सो वी अर्ज पीपल नॉट ओनली कोरोना बहुत सारा वायरसेस आ सकते हैं आने वाले दिनों में सो so, सबको एक तरीका अब तो मिल गया है सो प्लीज़ माइंड योर विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी हम किसी वायरस को कोई भी भगा सकते हैं सर अब तक हमारी जो बात हुई है हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उसमें हमने ये आपसे सीखा है कि कौन से अनाज खाने चाहिए yes. और कौन से अनाज नहीं खाने, खाने चाहिए, चाहिए। उसके बाद हमने ये भी जाना कि चीनी कितनी खतरनाक है, है। हमारे लाइफ के लिए उसके बाद हमने ये भी जाना कि दूध का क्या रोल है दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए उसके बाद हमने ये भी जाना कि अगर हम तेल हमारे रसों में यूज़ करते हैं तो वो कच्ची घानी का आ, वो तो अच्छा, अच्छा है अब अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं दो चीज़ रही है जैसे नमक है नमक तो है। हम नमक को कौन सा मतलब हम तो ये जो बाज़ार में फाइन नमक मिलता है वो यूज़ करते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर नमक तो कम खाना है ज़्यादा नहीं खाना है कितना चाहिए उतना खाना है और Uh, बाजार में अभी तो बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइज सॉल्ट मिल रहा है हमको सही नमक वही है नमक से ज़्यादा और कुछ नहीं चाना चाहिए सो बट नाउ दिस ड्राई सॉल्ट पाउडर सॉल्ट और फ्लोइंग साल्ट ये सबको ये लोग क्या कर रहे हैं नमक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सहज गुण है पानी को खींचना वही प्रॉब्लम है चीनी से नमक से अच्छा so, वो पानी खींचता है आ, पानी खींचता है सो so, नमक भी ज़्यादा खाया गया संभव इट विल स्टार्ट पुलिंग द वाटर सो आपका असर किडनी पे बहुत सीधा साधा पड़ जाता है सो वेन द किडनी गेट्स अफेक्टेड यूर हार्ट गेट्स इन टू ट्रबल सो ज़्यादा नमक ज़्यादा चीनी इसीलिए नहीं खाना है बिकॉज इट्स नेचुरल प्रोसेस टू होल्ड वाटर तो ये होल्ड करने का गुन है ना उस ए मार्केट में सही नहीं लगता है सो वॉट दे आर डूइंग इज दे आर एक्चुअली डूइंग कोटिंग फॉर ईच सोडियम क्लोराइड एक कन कन को वो लगा रहे हैं व्हाट आर देर डूइंग दे आर ट्राइंग टू मेक द सॉल्ट टू वाटर टू गो अवे सो दे आर रिपेलिंग रिपेलेंट्स ऑफ वाटर पानी को दूर भगा दूर रहे भगाना वो केमिकल डाल रहे हैं सो आप पाँच ग्राम नमक दो दिन में खा जाता है यू आर ऑल्सो ईटिंग दिस केमिकल्स सो इसीलिए लिए हम ए, ए, ए इंडस्ट्रलाइज सॉल्ट को मना करते हैं सो so, सीधा साधा सॉल्ट इनफैक्ट हमारा पिछले दिनों में साल्ट तो डालने से वो पानी डाल के रखते थे ऐसा सो so, उस हम वी हैव टू एडजस्ट आवर सॉल्ट So, सर इसमें ये बोलते हैं कि सेंधा नमक अच्छा है तो ये सांधा नमक भी अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं रॉक सोल्ट सॉल्ट बट वो तो सही प्रमाण में नहीं मिलता है सब लोगों को कहाँ से हम सैंधा लवन ला सकते हैं कुछ अमीर लोगों को मिल मिल सकता है लेकिन नमक तो हमारा देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना मिल देसी नमक जो रहा है समुद्र का सागर का वो तो वी आर फेमस फॉर साल्ट सत्याग्रह हमारा तो सर ये इसकी वजह से डॉक्टर जो ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले जो मरीज होते हैं उसको ये सोल्ट लेने की मना कर रहे हैं हाँ सॉल्ट लेने की मना है बट थोड़ा सा नमक तो चाहिए हमको एंड ऐसे तो नमक ही ए सोडियम पोटेशियम ही वो वाटर चैनल्स सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हमारा शरीर में होता है वेन यू हैव राइट अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ये वाटर चैनल्स बनता है सो so, सोडियम चाहिए हमको सो डोंट स्टॉप ईटिंग सॉल्ट कम्प्लीटली तो ऐसा तो हो हम नमक मिल जाता है सब्जियों में कुछ लिटिल अमाउंट्स वी गेट फ्रॉम एवरी मटेरियल वी ईट सो ज़्यादा नमक नहीं खाना है कुछ प्रमाण में हमको नमक चाहिए सो डोंट स्टॉप ईटिंग कम्प्लीट विदाउट सॉल्ट जरा लगाना है डोंट ईट मोर ऑफ इट एंड ऐसा तो हर चीज ज़्यादा नहीं खाना है <laughs> तो सर आ, सर के पास से हमने बहुत सारी चीज़ें जानी है आज हम क्या खाने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए Uh, अभी हम नमक के बारे में जान लिया सर एक क्वेश्चन हमारे uh, मन में आया है जब आप वाटर चैनल की बात कर रहे थे पानी की पान बात पान कर रहे हैं है। तो अब पानी हम जो पी रहे हैं शहर yes. में वो आर का पी रहे हैं फिर और कहीं और से आता है तो पानी के बारे में कन्फ्यूजन जब कोई कहता है कि सुबह में उठने के बाद ज्यादा पानी, चाहिए, पानी पी, पीना चाहिए तालाब का पानी पीना चाहिए आर का पानी सर पानी के बारे में थोड़ा ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट पानी तो हमारा शरीर तो सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट पानी ही है पानी से हम भर गए हैं सो विदाउट नोइंग द राइट वे ऑफ टेकिंग वाटर इन टू बॉडी बिकॉज और बॉडी में खून भी बह रहा है वही भी पानी है नो वी आर मेड ऑफ वाटर एवरीवेयर सो दो यू लुक स्ट्रांग एंड दिस इट इज सेवेंटी फाइव परसेंट वाटर सो यू शुड माइंड द इनटे क्लैनलीनेस ऑफ वाटर इट शुड भी शुद्ध होना है और इसके साथ हमारा जीवकोश कोश में लवनामश का एक सही प्रमाण होता है वो बैलेंस में होना है सो दैट मीन्स हंड्रेड पी पी एम टू टी डी एस बोलते हैं टी डी एस टी डी एस डिजोल सॉल्ट टी डी एस वन हंड्रेड पी पी एम टू अपू टू फिफ्टी मैक्मम टू फिफ्टी हम मानते हैं टू हंड्रेड इज़ गुड इनफ उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए सो so, वेन आपको आर ओ वाटर में क्या होता है ऑल सॉल्ट्स आर रिमूव रिवर्स निकाल देते निकाल उसमें। देते हैं तो ज़्यादा भी सही नहीं है हम बोरवेल वाटर है सब अंदर घुस के बोरवेल डाल के नीचे से सौ फीट अंदर जाके हम पानी निकालते हैं उसमें ज़्यादा होता है TDS. TDS ज्यादा होता है जो से हम बोर्वेल पानी बोर्वेल पीते हैं है। उसमें ज्यादा होता Not all है नॉट ऑल बोरवेल्स सम ऑफ देम तो क्या होता है 400-500 TDS टीडीएस बनने से हमारा जीव कोश में ये 100 हंड्रेड टू 200 हंड्रेड साल्ट कंसंट्रेशन सो यू टेक मोर साल्टेड वाटर टी डी ज्यादा है 400-500. सो so वो क्या बनता है हमारा जीवकोश में ये excess salts भर लेता है बिकॉज वी हियर मोर आउटसाइड सो so, ऑस्मोसिस हमारा लाइव सेल्स है वो लेयर्स एक काम कर जाता है तो आप आर वाटर पी जाता है द प्रोसेस गेट्स रिवर्स्ड सो अंदर से सांस बाहर आ जाता है सो so, दोनों सही नहीं है ज्यादा टी भी सही नहीं है और कम टीडीएस वाला पानी भी, भी सही नहीं, सही नहीं है सो so, हम हमारा पानी पीने के पहले ए जरूर है कि वी नो वॉट वी आर ड्रिंकिंग बिकॉज यू कैन डिस्टर्ब योर हेल्थ बाई जस्ट द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सो और वो वाटर सही नहीं है और टी ज़्यादा होने वाला पानी भी सही नहीं है तो हाउ डू वी कीप दिस राइट तो उसी का कारण है हम नदी पानी वेयर द टी डी एस इज़ नॉट बियॉन्ड वन फिफ्टी सो बहुत सारा नदियों से पानी हमको मिलता है वो चलने वाला पानी तो वो स्ट्रक्चर्ड वाटर बन जाता है रचनात्मक पानी हो जाता है प्रकृति में सो so, इसीलिए हम आजकल नहीं पी सकते बिकॉज वी डोंट हैव दट अपॉर्चुनिटी टू गो एंड कलेक्ट वाटर फ्रॉम तालाब से बहने का नदियों से हम नहीं ले सकते एस्पेशली जलपात वाटरफॉल्स वो बहुत सारा स्ट्रक्चर्ड एंड प्राइम्ड वाटर है वो तो बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए इसीलिए हमारा साधु संतों ने एक बहुत सिंपल टेक्निक यूज़ करते थे ओ, ताम्र का कमंडल ले के फिर कमंडल फिर, था उसके हाँ पास। उसका यही है आपका एक ताम्र का फलक आप ले सकते हैं ये पानी मिट्टी का बर्तन में रखने के बाद एक बीस लीटर को आप ये ताम्र का पलक डालने से देर आर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज थ्री डी टू फोर एयर्स ये होने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन एक कॉपर प्लेट में ताम्र का फलक का ऊपर तल में रोटेशन में रहता है सो so, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैन किल वायरसेस कैन किल बैक्टीरिया एंड रिमूव द केमिकल्स फ्रॉम योर वाटर एंड गेट ऑन टू दिस प्लेट सो ये प्लेट हम उसके बाद एक आठ घंटे रखने के बाद नींबू का पानी से क्लीन कर सकते हैं या हम इमली का पानी से भी क्लीन कर सकते हैं, सो so, हर रोज़ एक बार क्लीन करके ये पानी में डालने से आपको रचनात्मक समरचित पानी स्ट्रक्चर्ड वाटर मिल जाता है सो स्ट्रक्चर्ड वाटर क्या है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही बिठाने से आपको स्ट्रक्चर्ड वाटर मिल जाता है सो व्हेन यू कुक एंड ईट विद स्ट्रक्चर्ड वाटर व्हेन यू ड्रिंक स्ट्रक्चर्ड वाटर योर बॉडी इज़ फीलिंग द वेलनेस सो आप ये पानी इस तरह हमारा पूर्वजों ने बताया दिया ये सरल विधान में आप पानी पीने को आदत बदल जाइए डोंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स प्लास्टिक बॉटल्स तो ऐसा ही बहुत प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट के लिए और आपके लिए भी ये नैनो पार्टिकल्स आपके अंदर जाके तुम्हारा ये हाइड्रोफिलिक रीजन को हाइड्रोफोबिक बन सकता है मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ सो so, आपका अंदर इंटस्टेन में हाइड्रोफिलिक नेचर होना है पानी को आने का खींचने का काम करना है ए प्लास्टिक कोटिंग हुआ तो वो हाइड्रोफोबिक बन जाता है तो पानी को रिपेल करने का काम करता है सो व्हेन यू टेक ताम्र फलक का संरचित रचनात्मक पानी पीने से ये सब प्रॉब्लम आपको दूर कर सकता है सो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग द राइट वाटर विच इज़ मेड स्ट्रक्चर्ड बाई दिस सिंपल टेक्निक एंड दिस प्लेट यू कैन यूज़ फॉर लाइफ लॉन्ग एंड यू कैन इवन गिव इट टू योर सन्स एंड दे कैन गिव इट टू देयर सन्स इतना अच्छा है एंड और एक मेटल है विच इज़ वेरी सिमिलर टू कॉपर बट इसका बैंडविड्थ फोर डी टू फाइव एस ए सिल्वर है बट सिल्वर तो बहुत कॉस्टली है सो यू एंड यूट ऑल्सो डजेंट वर्क एज वेल एज दिस प्लेट तो आप कुछ लोगों को याद ही ये बहुत बड़ा लोग सिल्वर प्लेट में खाते थे वो एक रीज़न है इट कैन किल मैनी ऑफ द बैक्टीरिया ऑल्सो सिल्वर प्लेट भी सो इसीलिए हमारा पूर्वजों ने एक काम करते थे एंड ये तो पानी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा स्वास्थ्य के लिए सो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग कॉपर प्लेट वाटर एंड ऐसा ही हमारा बहुत सारा देवस्थान में ये कापर प्लेट्स लगा हुआ है इसीलिए सो दैट यू डोंट हैव दिस वायरल इन्फेक्शंस वैन लॉट ऑफ पीपल मीट टूगेदर दिस इन्फेक्शन्स का पॉजिबिलिटीज कम करने के लिए ही ये ताम्र का फलक कम्बों पर पिलर्स पे लगा देते हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट्स हाउ वी हैव टेम्पल्स टेकिंग अवे वायरल इन्फेक्शंस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपको देखा होगा कुछ लोगों ने एक ताम्र का कड़ी भी पहनता है बिल्ट बिल्ट नो बैंगल वो ही यही काम करता है सो so, ये सब वैज्ञानिक हमारा पूर्वजों ने काम करते थे बट वी आर फॉरगेटिंग ऑल दिस वंडरफुल देसी सांप्रदायिक को हम भूल रहे हैं एंड वी आर गेटिंग इन टू सिकनेस So, हम वापस ला सकते हैं स्वास्थ्य बन सकते हैं सर ये खुराक जीवन बदल बदलो जीवन बदलो सर आप तो बिल्कुल सीख गए हैं और गुजरात आपको ऐसे yes. लगता है कि बार बार आना पड़ेगा पानी के बारे में सर आपने बहुत अच्छा समझाया है मैं फिर से एक बार ये दर्शकों के साथ बात करना चाहूंगा ये एक कॉपर प्लेट है और सर भुच्चे के हिसाब से अगर एक हम जो पानी पी रहे हैं उसमें एक बड़ा मिट्टी का एक बर्तन, बर्तन। या तो फिर उसमें स्टील का चल सकता है।, है अगर मिट्टी का मिले तो अच्छा है मिट्टी का ना मिले तो ये पंद्रह बीस लीटर पानी में उसमें ये प्लेट को हम उसको अंदर रखना है और छः से आठ घंटे तक उसको रखेंगे और बाद में उसको निकालेंगे और इसकी वजह से ये कॉपर प्लेट की वजह से पानी में जो वायरस बैक्टीरिया हैं वो उसमें से। और केमिकल्स है yes. सब चीजें उसमें से दूर हो जाती हैं है। और हमारा पानी स्ट्रक्चर्ड वाटर संरचित पानी એટલે શુદ્ધ પાણી કરવા માટેનો સરળ અને સસ્તો રસ્તો આ છે જેમ વાત કરી તેમ રુસી મનીઓ કમંડળ પણ ટ્રાંબાનો વાપરતા હતા એવી રીતે આ કોપર પ્લેટ છે સર એ એક આપકો મે ક્વેશ્ચન પૂછુંગા હમ લોગ તો પૂરે લોગ જોબ મે જાતે તો સાથ મે બોટલ લેકે જાતે હે ઓર કોપર બોટલ ચલ સકતી હે કે નહીં ચલ સકતી હે અગર નહીં ચલ સકતી હે તો ફિર ક્યા કરે હમ કોપર બોટલ क्लीन करने का तो बहुत प्रॉब्लम होता है यू कैन इजीली क्लीन ए स्टील बॉटल बिकॉज वो तो इमली पानी लगाना है तो नींबू पानी लगाना है सो so, ऐसा प्लेट लगा के बड़ा बर्तन में आप पानी संरचित बनने के बाद ऐसा स्टील बॉटल में आप डाल के पी सकते हैं नहीं तो हम क्या करते हैं ट्रैवल करने के वक्त एक छोटा सा काफर प्लेट इसमें लगा दिया है सो so, हमको प्लास्टिक पानी भी मिलता है नो वो वैन यू गो आउट यू आर गेटिंग दैट वाटर ओनली सो पुट दैट एंड कापर प्लेट डालते हैं इवन होटल पे आप एक नींबू का पीस लेके क्लीन कर सकते हैं सो कॉपर बॉटल को क्लीन करना बहुत मुश्किल है यू हैव टू सोक इट इन इमली का वाटर और नींबू का पानी में आग एक दो घंटा रखना पड़ता है बिकॉज क्लीनिंग ऑल द नू एंड कॉर्नर्स दे आर गेटिंग डर्टी नो बिकॉज ऑल द केमिकल्स आर वायरस दे आर ऑल कमिंग

सर इसका मतलब है कि ये बड़ी जो आ, हम कॉपर प्लेट है वो बड़े बर्तन के बर्तन लिए के, है जिसमें डाल सकते हैं और जैसे सर ने जो, जो, ये जो, आ, हमें दिखाई है कि पानी की बोतल जो स्टील की है उसके अंदर उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये छोटी सी जो, प्लेट भी आ, मार्केट, मार्केट में आज अवेलेबल है और वो बहुत ही हमें चीप रेट में भी पड़ती है और सालों तक चलती है सर के हिसाब से पेटिया दर पे वो चलती है तो हम बीस साल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर ये मुफ्त में हो गई बीस साल से आप यूज कर रहे हो और उतना पानी अगर हम कापी है या बोटल मार्केट में तो कितना खर्च हो जाता है तो सबसे अच्छी बात सर आ, आ, सर ने आज बताई है एंड यू विल सेव द एनवायरमेंट नॉट बाइंग दिस प्लास्टिक यू नो वो बहुत बुरा है यस सर तो प्लास्टिक का भी हम सर प्लास्टिक को ये, ये मटेरियल को बहुत ही सर उसके विरुद्ध में है वो अभी यूज नहीं करनी चाहिए अब तक हमने ये देखा सर कि हमारी लाइफ स्टाइल खुराक बदलो जीवन जीवन बदलो चेंज द फूड चेंज द लाइफ उसके बारे में बहुत हमने आपसे जाना है सीखा है, है और हम अपना खुराक बदलने की पूरी कोशिश करेंगे मगर सर अब क्वेश्चन ये आता है लास्ट में कि हम लोग में से कई हमारे फैमिली मेंबर्स और हम बीमार हैं और ये वो बीमार लोग कोई दवाई ले रहा है कोई सालों से दवाई ले रहा है कोई ऑपरेशन का किसी को बताया है तो अब हम ये सब पाँच मिलट्स खाएंगे ये सब आप आप बोले तो पानी भी स्ट्रक्चर पिएंगे वो सब चीज़ और काढ़ा भी आपने बता दिया मगर हमको कैसे पता चलेगा क्योंकि आप तो यहाँ कर्नाटक फिर चले जाएंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में किसी को थाइरॉयड है किसी को ब्लड प्रेशर है किसी को कैंसर है तो कौन से अनाज खाने चाहिए कौन से काढ़े पीने चाहिए yes, सर आप ये बताने की कृपा करेंगे यस yes, यस yes. हम तो पी बना दिया है चारे. सारा ये बीमारियों का पट्टी लगा दिया है सो so, आप देख सकते हैं बहुत सारा बीमारियाँ का ऑलमोस्ट हंड्रेड एंड एट डिसीजेस इसमें ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव कैंसर भी है ये पट्टी लगा दिया है क्या काढ़ा पीना है कब पीना है कैसे बनना है ऑयल्स कब पीना है कितना पीना है सब कुछ हंड्रेड एंड एट डिसीजेस यू कैन जस्ट क्रॉल इट यू कैन गेट दैट ये तो आप कृपा करके यू हैव डन वंडरफुल जॉब गुजरात में ट्रांसलेट किया है वो तो बहुत अच्छा काम है एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट यू हैव डन इवन बिफोर आई केम टू गुजरात यू हैव डन दिस जॉब सो बहुत आभारी हूँ वेरी नाइस nice, धन्यवाद एंड सब लोगों गुजराती लोगों को ये तो फ्री मिल सकता है And doordarshan has made this possible for us to reach many people. उसके लिए भी हम बहुत आभारी hai And ये download कर सकते हैं free है आप आ, कोई problem नहीं है So everything is detailed in this PDF. So aap sab gujarati आप सब गुजराती लोगों को बाँट सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so यही है हमारा समाधान तुम्हारा प्रश्न के, के लिए सवाल के लिए सर ने अब तक जो हमें बात बताई है उसमें हमने ये देखा कि हम हमारा डाइट ये फूड चेंज करके कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं और जो बीमार लोग हैं इसके लिए सर ने प्रोटोकॉल की एक बुक है जो आ, फ्री में अवेलेबल है हमारे गुजराती दर्शकों के लिए हमने उसमें उसको गुजराती में भी बनाने की कोशिश की है और कुछ ही दिनों में वो अपलोड हो जाएंगी आ, सर आभार तो हम आपका प्रकट करेंगे क्योंकि आप कर्नाटक से यहाँ आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें जो काफ़ी लोग हम जानते नहीं थे अब तक हम वही जा, वही जानते थे कि गेहूँ तो गेहूँ के बिना तो हम जी ही नहीं सकते चावल तो हमें मतलब खाना ही चाहिए दूध के बिना भी, भी रह नहीं सकते वो सब सारी हमारी भ्रांतियाँ को आपने एक नई दिशा दी है नया एक सोच हमारे दिमाग में डाला है उसके ऊपर हम काम करेंगे ज़्यादा हम आगे भी ऐसे बातें करते रहेंगे मगर एक बात मैं बताऊँ कि सर का जो वेबसाइट है अगर उसमें आप वो वेबसाइट में देखेंगे तो सब कुछ उसमें अवेलेबल है वो वेबसाइट का नाम भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं वो है www.siridhania That is s i r i g double e v a n dot org मैं रिपीट करता हूँ सिरी धानिया s i r i g double e v a n सिरी जीवन श्री जीवन डॉट और श्री जीवन डॉट ऑर्ग करके उसकी वेबसाइट है सर की उसमें सभी ये बुक जो प्रोटोकॉल की अभी हम दिखा रहे हैं आ, आप देख सकते उसमें सब सब बीमारी के लिए कौन से ये पांच पॉजिटिव मिलेज खाने चाहिए अब हम ये कब्जियात हो या पे, पेट का प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी कोई भी बीमारी हो सौ से ज़्यादा बीमारियों का एक चार्ट सर ने बना के रखा है हम आसानी से वो हिंदी में उपलब्ध है इंग्लिश में उपलब्ध हैं कन्नड़ में, में तमिल में और कई भाषाओं में अभी बन रही है। गुजराती में हमने बनाने की कोशिश की है सर, और और ये में भी अब अब ऑनलाइन हो जाएगी अपलोड, आप फ्री में वो डाउनलोड कर सकते हैं उसमें सभी प्रोटोकॉल्स हैं सर बहुत अच्छी सर आपने बात बताई कि, कि किसी भी मरीज किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो वो हम उसमें से ढूंढ सकते हैं कौन सा काढ़ा पीना है कौन सा मिलेज खाना अच्छा, है स्ट्रक्चर वोटर का भी दे आपने बता दिया सर ये सब सुनने के बाद एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया है हमारे पास आज समय की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे मगर एक लास्ट में पर्यावरण के लिए भी आपने बोला कि चाय कॉफ़ी हमारे लिए तो नुकसानदायक है ही मगर पर्यावरण के लिए, लिए भी ये अनाज अच्छे हैं चाय कॉफी कर है थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए बाद में हम अपना सेशन खत्म करेंगे ये काफ़ी टी हम उगाने के लिए बहुत सारा पर्वत का ए व्यवसाय क्षेत्र को हम खूब तरफ से विनाश कर रहे हैं वी हैव डिस्ट्रॉयड लॉट ऑफ फॉरेस्ट टू ग्रो कॉफ़ी एंड टी ये बहुत बुरा बात है वी आर डिस्टर्बिंग द इन्वेरॉमेंट एंड काढ़ा पत्ता लगाने के लिए हमको कुछ भी नहीं चाहिए हमारा पर्यावरण में इस बाग में उस अंदर और रोड पे भी लगा सकते हैं। हर्बल प्लांट हर्बल प्लांट्स सो यू आर क्रिएटिंग मोर फ्रेंडली एन्वेरमेंट बाय ग्रोइंग दिस वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ पत्ता का काढ़ा बनाने के लिए हम बहुत सारा पेड़ पौधे को उगा सकते हैं हमारा पर्यावरण में सो वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस कॉफी एंड टी वी आर सेविंग आवर माउंटेंस नॉट ओनली इन इंडिया बहुत सारे लोगों पे ये काम चल रहा है सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड डायरेक्ट लाभ हम पा सकते हैं और दूसरा चीनी के वजह से बहुत सारा व्यवसाय क्षेत्र हम खराब कर रहे हैं चीनी को एक खेली चीनी बनाने के लिए उत्पादन करने के लिए हम 28,000 लीटर्स वाटर इरिगेशन में यूज़ करना पड़ता है ये हमारा सिर को उगाने के लिए 300 लीटर्स इज एनफ पर किलो इतना अंतर देखो बड़ा अंतर दिखा बड़ा रहा है। अंतर में सो पानी है, so, है पर्यावरण का एक पहलास रिसोर्स रिसोर्स है नेचुरल रिसोर्स सो वी हैव टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स है, so, पानी आ जाता है पहला सो एंड वी आर नॉट गोइंग टू हैव ए नफ वाटर इफ़ यू कीप डूइंग दिस काइंड ऑफ नॉन सेंस सो वी स्टॉप चीनी प्रोडक्शन यू स्टॉप द शुगर प्रोडक्शन यू आर सेविंग सो मच वाटर एंड ऐसा तो हमको ज़रूरत नहीं है ये शुगर ईच मिलीग्राम यू आर ईटिंग यू आर इंक्रीजिंग योर इल हेल्थ तो बहुत बुरा है ना सो so ये बुरा पदार्थ को हम क्या किसके लिए उगा रहे हैं वाई आर वी स्पॉइलिंग आवर एग्रीकल्चरल लैंड्स मेकिंग दिस हैपन सो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ए तो हम ये चेंज कर सर है। आपने कहा चीनी और चावल में इतना पानी चाहिए उसे तो 30-40 गुना आ, कम पानी में तो हम ये मिलेट्स उगा सकते तो हैं।, हैं।, हैं सर आपने बहुत अच्छी बात की है आ, हम ये, ये सब बातों को जान के हम पूरे व्यूअर्स हम हमारी जीवन शैली को बदलेंगे लास्ट में हम वही बोलेंगे खुराक बदलो जीवन बदलो एंड लाइफ बात कर रहे हैं फेसबुक डॉक्टर खादर लाइफ फेसबुक पे वो आप जाके बहुत सारा सवाल का समाधान सर ये, ये आप आ, हम पूरे हमारे ओर से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से गुजरात सरकार की ओर से दूरदर्शन की ओर से और पूरे गुजरात की ओर से हम आपका शुक्रिया और आभार करते हैं आपको येस। कि आप यहाँ आए अच्छी अच्छी बातें हम हम हमने हम सीखे हैं आगे भी आप आते रहेंगे हम बातें करते रहेंगे और लोगों को सुनाते रहेंगे तो मेरी तरफ से मैं आभारी हूँ गुजरात को और गुजरात गवर्नमेंट को दूरदर्शन को और आखिर में आपको ए, ए सब काम हुआ है ए हम जुड़ के हमारा लोगों को आगे, बढ़ाएंगे।, के लिए आगे बढ़ाएंगे थैंक थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच